हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरा पेंटाज है और इनकी पत्तियां देखिए मैं लेके आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारी बुरी तरह से ये हो गई है। ये देखिए इस तरह की, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल बेकार है, ये रेड सॉयल है, इसीलिए इसमें ये समस्याएँ आ रही हैं। ये देखिए, अगर रेड मिट्टी का क्या होता है ना कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये मिट्टी को पानी को बहुत होल्ड करती है। देख रहे हैं आप, ये खुल भी नहीं रही है। ये देखिए आप, ऐसे बहुत परेशान करती है मिट्टी, और अगर पानी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है। अगर प्लांट में आ रही है ये मिट्टी तो प्लीज़ इसे निकाल दीजिए। और ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है इसकी, ये हाइड्रोपोनिक तरीके से इन्होंने लगाई होगी तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ये देखिए, ये टूट भी गया। लो, अंदर से फंगस है इसमें लगी हुई, देख रहे हैं आप, ये टूट भी गया। लो, अब क्या करूँ मैं इसका, दिक्कत ये है, कुछ नहीं कर सकते। अभी बिल्कुल ही अलग हो गई है ये। फ्रेंड्स, मेरे गए रुपए, ये 70 रुपीज़ बेकार चले गए। ये दिक्कत हो जाती है इसमें, अंदर से ये फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गया, ये रेड देख रहे हैं आप। ये अब इसकी जड़ को ही लगा के देखती हूँ, शायद में ये चल जाए। आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पॉट में इस तरह की रेड मिट्टी है, देख रहे हैं आप ये, तो इस मिट्टी को कैसे निकालें, है ना। मैंने निकाला था एक पॉट, ये पेंटास का ही था, वो पिंक कलर का, वाइट कलर का था, ये पिंक है, वो वाइट कलर का था। तो ये इतनी टाइट मिट्टी है कि मैंने इसे निकाला तो उसकी, वो एक तो फंगल इन्फेक्शन था उसमें, जैसे अब इसमें है, ये फंगस लगी हुई है बुरी तरह से इसमें, क्योंकि रेड मिट्टी में अगर आप पानी नहीं डालोगे तो इतनी टाइट हो जाती है कि प्लांट को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसे पानी ज़्यादा डाल दोगे या सोचोगे पानी खूब ढेर सारा डाल दें जिससे कि जड़ों तक पानी पहुँच जाए, तो ये मिट्टी को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गीली गीली मिट्टी हो जाती है और बिल्कुल बेकार मिट्टी हो जाती है और फिर ये प्लांट मर जाता है। तो हम इतने टाइट मिट्टी को हम कैसे निकालें, और इसकी ये जो, ये देख रहे हैं, ये भी परेशान करती है। इसकी जो आती है ये हाइड्रोपोनिक जो जाली होती है, ये भी नेट जो होती है, ये भी प्लांट को मार देती है। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे और इसे कैसे निकालेंगे मिट्टी को, तो इसके कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से आप ऐसे इस तरह से ऐसे फंसा लीजिए, है ना, और इस तरह से ऐसे करके ऐसे मार कीजिएगा, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा ना, आपके प्लांट की जो ब्रांचेज है वो सेफ रहेंगी, देख रहे हैं आप, ये ब्रांचेज सेफ रहेंगी और मिट्टी निकल जाएगी। और फिर हम इसे ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल देंगे, देख रहे हैं आप, ये ऐसे थी और इसे ये छोड़ेंगे नहीं यहाँ से, ऐसे निकाल देंगे, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, या तो एक दिन पानी, एक दिन पहले आप इसमें पानी डाल दीजिए, इसमें पानी पड़ा था मगर फिर भी आप इसे जब ऐसे निकालेंगे ना तो इसकी रूट जो है वो सब टूट जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी होती है। मैंने इसमें कल पानी डाल दिया था क्योंकि मेरे एक प्लांट ऐसे ही ख़राब हो गया था, बिल्कुल बुरी तरह से टाइट मिट्टी थी, तो मैंने कहा चलो निकाल दूँ, वो निकालते निकालते ख़राब हो गया। तो अब देखिए इस तरह से, तो अब हम क्या करेंगे, ये निकल गई मिट्टी, अब हम क्या करेंगे, जो इसकी जो जो ये जाली है इसे एकदम ऐसे नहीं निकालेंगे, अगर ऐसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगा, जाली भी कि इसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो हम इसे पानी में डिप करेंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से हम डिप करेंगे और इसे डिप रहने देंगे जब तक इसकी ये मिट्टी ख़त्म नहीं, निकल नहीं जाती, बिल्कुल अपने आप धुल नहीं जाती है इस तरह से। देखिए जाली के अंदर भी भरी पड़ी है, तो जितना इसमें पानी डालेंगे ना, इसकी मिट्टी सब एकदम बहुत जल्दी से झड़ जाती है, धुल जाती है मिट्टी। ये देखिए इस तरह से ऐसे करेंगे। तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप इसे शाम को, इस जैसे आपका पॉट है जिसमें प्लांट लगा है, वो पॉट को मिट्टी के साथ में, प्लांट के साथ में ऐसे बकेट में डाल दीजिए, मिट्टी बिल्कुल लूज होकर निकल जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ये मेरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप निकाल देंगे तो आपकी ये प्लांट की नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल बेकार नहीं होगा। और ये वैसे अभी यहाँ से सही है, वो तो यहाँ से टूट गया था मेरा पेंटास वाइट वाला। तो क्या करेंगे, अब इस जाली को हम आराम से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट करेंगे जिससे कि ये इजीली यहाँ से जड़ें इसकी जो है वो निकल जाए, जड़ें ना ख़राब हो और ये ईजिली ये यहाँ से जाली निकल जाए, क्योंकि जड़ें टूट जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर प्लांट को सर्वाइव करना। अब ये देखिए यहाँ पे हो रही है, तो इसे हम यहाँ से भी कट करेंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में जड़ें फंसी हुई हैं ना, उस एरिया को हम कट करेंगे इस तरह से, ऐसे ये कट गया, देख रहे हैं आप ये। तो अगर लाल मिट्टी है तो इस तरह से आप अपने प्लांट को निकालिए और जाली ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्लांट को बढ़ने नहीं देती, ठीक है। ये जाली बहुत परेशान करती है प्लांट को, इसकी रूट इसमें फंस जाती हैं, आगे बढ़ने में परेशानी होती है, और ये जो स्टॉक, जो यहाँ का जो स्टॉक होता है वो भी मोटा नहीं हो पाता है। तो
ये प्लांट को मार डालने वाले ही काम होते हैं इसमें। पता नहीं ये लोग पानी में उगाते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से, फिर इसे ऐसे ही पॉट में लगा देते हैं। मेरे हिबिस्किस भी इसी तरह के बहुत ढेर सारे निकले हैं, इस टाइप के हिबिस्किस भी बहुत आए हैं, कट कट के निकाली हैं मैंने जालियाँ, इसी तरह से बारीक बारीक करके टुकड़े छोटे छोटे करके निकाले हैं। क्योंकि पॉलीबैग तो सोचते हैं चलो हम यूज़ में ले लेंगे, मगर इस जाली का यूज़ हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि हाइड्रोपोनिक तरीके से हम यूज़ करेंगे तो हम इससे तो अच्छा थर्माकोल में लगा के रख लेंगे प्लांट को, और अच्छे से चल जाएगा प्लांट वो उसमें थर्माकोल वाटर में। तो अब नीचे से नीचे का एरिया हम कट करेंगे इस तरह से, ऐसे कोशिश कीजिए इसकी जड़ें कम से कम डिस्टर्ब हो, कम से कम कट हो जड़ों का नुकसान ना हो। मेरा तो पूरा पूरा का पूरा प्लांट मेरा एकदम से निकल गया था, बुरी तरह से टूट गया था, और वो इस मिट्टी की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो गया था उसमें, बहुत हालत ख़राब थी उसकी। अगर मैं चाहूँ तो कि इसे 15-20 दिन ऐसे ही इसी पॉट में मिट्टी में लगी रहने देती तो ये बिल्कुल बेकार हो जाता, क्योंकि प्लांट सांस नहीं ले पाता, मिट्टी अजीब सी रहती है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है मिट्टी की, और यही वजह है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन की शिकायत शुरू हो गई थी। ये देखिए तो पत्तियाँ सारी बिल्कुल काली काली होने लगी थी। ये पूरी तरह से कटने में सक्षम नहीं हो रहा है, मेरे हाथ एक हाथ से काम भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो अब ये देखिए ये मैंने निकाल दी है, ये जाली इसमें निकाल दी है, और ये है ना। अब इसकी मिट्टी को हम कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। ये हमारी बहुत प्यारी मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है, पोरस मिट्टी, बिल्कुल सैंडी सॉयल है। इसमें मैंने गोबर की खाद भी मिलाई हुई है, और ये अभी मैंने MLLEs में से निकाली है, तो वो मिट्टी है ये, तो इसमें मैंने गोबर की खाद भी मिलाई है, ये भी है इस तरह से। हम ऐसे रखेंगे इसकी इसको, क्योंकि छोटा पॉट में ही लगा था तो इसी में मैं लगा देती हूँ अभी, और इसे पूरी तरह से अच्छे से ऐसे करके कवर कर देंगे, और चाहते इसके ऊपर और भी मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए ये गोबर की खाद है ये, इसमें गोबर की खाद भी काफ़ी डाली है मैंने। और ये हमारा पानी है, हम इसमें पानी भी डाल देंगे। तो लाल मिट्टी के अगर आपके प्लांट के साथ में लाल मिट्टी आती है तो प्लीज़ आप उसे तुरंत ही निकालिएगा। ये मैं सोचिए कि हाँ चलो छोड़ो रहने देते हैं, क्योंकि आप पानी डालेंगे तो भी परेशानी, ना डालेंगे तो भी परेशानी, लाल मिट्टी में ये दिक्कत है। और इसे आज तो वैसे छाया हो रही है, मौसम ऐसा ही है, ठंडा ठंडा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धूप भी नहीं है। और इस मिट्टी का क्या करेंगे हम, इस मिट्टी का यूज़ करेंगे कंपोस्टिंग वगैरह में, कंपोस्ट बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। कंपोस्ट वाला है, देखिए कितनी बुरी मिट्टी है, देख रहे हैं आप, लड्डू जैसी बन जाती है ये, बहुत टाइट हो जाती है, गीली रहती है तो चिपचिपी अजीब सी हो जाती है ऐसे, और जब सूखी होती है तो बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को निकालें इसमें से सावधानी पूर्वक, जिससे कि आपके प्लांट ख़राब भी ना हो और मिट्टी भी आराम से निकल आए, है ना, प्लांट भी आराम से निकले, मिट्टी भी आराम से निकले, कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।